झांसी मौठ विकास खंड के अधिकारी कायाकल्प के नाम पर खा गए लाखों रुपए। बदहाली में है बाबई का परिषदीय विद्यालय। 25% हो रही बच्चों की अटेंडेंस। प्राथमिक विद्यालयों की जमीनी हकीकत देखिए। बुंदेलखंड टुडे न्यूज दिखाएगा धरातल का आईना। झांसी जनपद के मौठ विकास खंड में इन दिनों 34% कमीशन का मामला गरमाया हुआ है। सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को सुगम एवं स्मार्ट बनाने के लिए परिषदीय विद्यालयों के कायाकल्प के लिए लाखों रुपए का बजट विकास खंड को दिया था। सरकार के मंसूबों पर पानी फेरते विकास खंड के अधिकारी साफ नजर आ जाते हैं, जब स्कूलों की दुर्दशा वायरल होती फोटो एवं वीडियो में देखने को मिलती है। ऐसा ही एक मामला मौठ विकास खंड के बाबई गाँव से सामने आया है, जहाँ से कैंपस में मैदान की जगह कीचड़ एवं गंदे पानी का तालाब दिखाई देता है। एक जिला प्रशासन के नाम इसी गांव के रहने वाले लोकेंद्र सिंह, नरेंद्र कुमार, राहुल कुमार और वीरेंद्र सिंह ने पत्र लिखा है, जिसमें स्कूल की दुर्दशा का पूरा जिक्र किया है। साथ में पत्र में लिखा है कि पानी इतना गंदा है जिसमें जहरीले सांप तक पनप चुके हैं। बच्चे इसी गंदे पानी से होकर अपनी क्लास में बैठने जाते हैं। बच्चों के माता पिता को हरदम किसी अनहोनी होने का डर सताता रहता है। इसी स्कूल में पढ़ने वाला मासूम सा चेहरा लिए देव बताता है कि बच्चे स्कूल आने के लिए गंदे पानी से होकर गुजरते हैं। गंदगी इतनी ज्यादा है कि कई बच्चों के माँ बाप उन्हें स्कूल ही भेजना बंद कर गए। वहीं एक अन्य बच्चा अपनी दबी आवाज में बताता है कि पानी में सांप रहते हैं। बात सिर्फ स्कूल के अंदर कीचड़ की नहीं, बल्कि स्कूल तक पहुँचने के लिए एकमात्र रास्ता है, वह भी कच्चा है। और सड़क नहीं डरी? सड़क नहीं, सड़क नहीं है स्कूल तक, सड़क नहीं है, कच्ची है सड़क। हाँ, कच्ची है। और आगे भी कच्ची है थोड़ी। हाल ही में एक व्यक्ति को डस चुका है सांप। गांव के रहने वाले नौजवान लोकेंद्र सिंह का कहना है कि स्कूल की बदहाली की शिकायत ऑनलाइन पोर्टल पर भी दर्ज करवाई गई, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। अपने अंदर का डर बताते हुए आगे कहते हैं कि गांव के ही रहने वाले एक राजू चौधरी थे, जिन्हें सांप ने डस लिया। आनन फानन में उन्हें झांसी रेफर कराया गया, लेकिन वहां भी उनका इलाज ना हो सका। उसके बाद उन्हें ग्वालियर लेकर जाना पड़ा, जहां उनका इलाज चल रहा है। लोकेंद्र कहते हैं कि गांव वालों के साथ साथ प्रधान ने भी कई बार इसकी शिकायत ऊपर की, लेकिन विकास खंड में बैठे अधिकारी हमारी एक नहीं सुनते। अधिकारी सिर्फ कोरी दिलासा देते हैं और बोलते हैं कि घर जाओ, आपका काम हो जाएगा। 25% ही बच्चे स्कूल में पढ़ने पहुंच पाते हैं, बाकी अपने घर पर ही समय गुजार रहे हैं। क्या नाम है? लोकेंद्र। क्या समस्या आ रही है? समस्या ये है कि बाबई में चारों तरफ पानी भरा है। पूर्व माध्यमिक नवीन पूर्व माध्यमिक विद्यालय बाबई, वहाँ चारों तरफ पानी भरा हुआ है। बाउंड्री वॉल के भी अंदर पानी भरा हुआ है। आपने प्रशासन से शिकायत नहीं की? शिकायत पोर्टल पर दर्ज करवाई कल, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं हुआ ना। कितनी सालों से पानी भरा है स्कूल के अंदर? कम से कम भरा है 2-3 साल, मतलब हर बारिश होती है तब पानी आ जाता है। चारों तरफ पानी भर जाता है, आगे पुलिया है एक, वहाँ पे पानी निकल नहीं रहा है। चारों तरफ से बारिश का पानी भरा हुआ है, पूरे गांव फसल नष्ट हो गई है पूरी। और क्या क्या समस्या आ रही है? और समस्या ये है सर कि मतलब यहाँ जो पानी भरा है, इससे जानवर, जहरीले जानवर पनपते हैं इससे, और बच्चों को दिक्कत होती है सांप और सर पर। अभी एक राजू चौधरी को सांप ने काट लिया, तो उनको झांसी मना कर दिया, फिर ग्वालियर ले गए। बहुत मुश्किल। आपके बच्चे स्कूल नहीं आते? आते नहीं, कम आते हैं, कई तो आते ही नहीं है। पापा सांप फिर रहे हैं वहाँ पे, बहुत दिक्कत में हैं। और प्रधान से शिकायत? प्रधान जी तो देख गए, क्या करें, ऊपर अधिकारी ही नहीं सुनते। एक पुलिया है आगे, उससे पानी जड़ा है, क्या किया जाए बताओ। अधिकारी सुनते नहीं है एक भी। अधिकारी के पास जाओ, जलासा दे के भगा देते हैं। आज दिलासा दिया कि जाओ, तुम आज हो जाएगा तुम्हारा काम करके दिया। इतना पानी भराया कि पुलिया से शायद है कि थोड़ा पानी निकल रहा हो, पूरा जड़ा है। हर शिकायत पेंटिंग में डाल देते, कोई सुनता ही नहीं है कोई अधिकारी। पुष्पेंद्र श्रीवास के साथ नेहा श्रीवास की रिपोर्ट, बुंदेलखंड टुडे न्यूज, झांसी।